हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड देयर सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है। इसका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप एक बार वहाँ से ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 78 है, दी ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटेट ऑफ हेफी इन दी कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 आएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में इन सब क्वेश्चन के उपलब्ध हैं। 72 प्रोडक्ट पी बताना है, तो प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, बी वाला होगा राइट ऑप्शन। 73 गोल्ड नंबर गिवेन है, ए बी एंड सी के प्रोटेक्टिव पावर्स बताना है। जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर्स होगी। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 74 वेपर प्रेशर दिया गया है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस बताना है। तो मोल फ्रैक्शंस जब भी आप निकालेंगे तो 0.5 आएगा। 75 NH3 और H3O+ का स्ट्रक्चर्स बताना है, कौन सा इनकरेक्ट होगा इसके बारे में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 फॉलोइंग स्टेटमेंट साइक्लोहेक्सेन के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज द राइट स्टेटमेंट। 77 वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ गैसेज N2O2 NH3 एंड CH4 गिवन दैट, कौन सी गैस इजिली लिक्विफाइड होगी, तो इसके लिए आपको बताया गया है इसके फार्मूला NH3 इज इजिली लिक्विफाइड। 78 कौन सा कंपाउंड सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा। इन सारे क्वेश्चन के कंप्लीट सोल्यूशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 79 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो, फॉरबिडन हो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80 दी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर एमांग दी फॉलोइंग इज दी, तो सारे का स्ट्रक्चर हम बनवाए हैं, स्ट्रक्चर जो डी होगा ये क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। सबका जो इलेक्ट्रॉन हो काउंट कर लीजिए, दोनों बराबर आएगा डी में। 81 दी डेल्टा इज फॉर ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग, तो बी दी पाथ फॉलोड, पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है। 82 एलेजरिन का नाम क्या होगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन। 83 pH वैल्यू ऑफ इक्वस सोल्यूशन 1 to 10 की पावर -8 MACL, जब इक्वस सोल्यूशन का निकालेंगे तो स्लाइटली लेस देन 7 आएगा। 84 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी प्रीवियस वीडियो में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हम कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, उसका जब आप निकालेंगे तो 38 आएगा। 85 व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चैन बी ग्लूकोज 0.02। 86 बेसिक ऑफ आयनिक साइज सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन द मैक्सिमम, तो MgCO3। 87 वन हाफ फैक्टर फॉर बेरी डायलूट सोल्यूशन 1.002 परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो 2 × 10⁻³ आएगा। 88 विथ रिस्पेक्ट टू दी पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल व्हिच वन दी ओड पेयर, तो मैग्नीशियम एंड गैलियम इज द सेम पीरियड एंड सेम ग्रुप, डिफरेंट पीरियड एंड डिफरेंट ग्रुप, हेंस दी ओड पेयर, बाकी सब सेम ग्रुप के पीरियड्स के हैं। 89 विच ऑफ दी फॉलोइंग एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। 90 द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड माइनस रफली एक्स डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर, एक्स की वैल्यू क्या होगी, x 6 डिग्री। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी एल्कली मेटल फ्लोराइड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जितनी छोटी आपकी क्या होगी साइज होगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी होगी, तो इस रिगार्डिंग आप फ्लोराइड्स का अरेंज करेंगे। 92 इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ए एंड बी, जब इस रिएक्शन का सोल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन बी क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 अभी कल ही इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराए हैं, एसिटिक बफर सोल्यूशन, तो सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड। 94 डेल्टा एच एफ नॉट गिवेन SO2 एनर्जी आपको बताना है डिकम्पोजिशन के लिए, तो 148.75 होगा। 95 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैम डायरेक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ लिगेंड इन विच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डू यू एक्सपेक्ट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ NH3 इन प्लेस ऑफ CL लिगेंड विल बी फास्टर, तो इसके लिए आपको ट्रांस इफेक्ट की सीरीज पढ़नी होगी, जिसमें ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 96 ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। 97 मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फार्मिक एसिड इज हीटेड ओवर मैग्नेस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस, CH3CHO इज फॉर्मेल्डिहाइड। 98 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्डिंग पेयर ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड फॉर NO। 99 इस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर रेयन है। 100 0.1 mm सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पोटेशियम सल्फेट।
101, बोथ दी मेंबर्स ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑलमोस्ट दी सेम साइज. तो जहाँ पे आपको डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन कराए हैं वहाँ पे इन सब की साइज बताया गया है. जिरकोनियम और हाफनियम की साइज क्या होती है, लेंथेनाइट कंट्रेक्शन की वजह से सिमिलर होती है. 102, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड इज स्ट्रेंथ फॉलोइंग बोरॉन हाइड्राइड. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 103, फॉलोइंग रिजेंट अंडरगो रायमन टीमन रिएक्शन, ऑप्शन बी. 104, इफ दी सीट ऑफ बेपोजिशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 540 किलो कैलोरी ग्राम इनवर्स एंट्रोपी चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर विल बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 105, इफ 3.0 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 0.02. 106, इफ ए स्टीम इंजन ऑपरेट इंजन 300 केल्विन टू 300 केल्विन अंडर हाई प्रेशर व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, आंसर सी. 107, डेक्रान एग्जांपल्स है पॉलिएस्टर का. 108, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विद K2Cr2O7 एंड H2SO4 गिव्स ए रिएक्शन अदर देन ए ऑक्सीडेशन, KCl. 109, तो जो ये रिएक्शंस है Ar(N2) + CuCN ArCN रिएक्शन फ्री रेडिकल्स की है, सैंड मेयर रिएक्शन. 110, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर बोथ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव जीरेट एंड अनजीरेट सिमेट्री, सिग्मा एंड पाई स्टार. 111, यूरेनियम 235 एंड 92 दिया है, इसमें पूछा है कि जो रिलीज्ड पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, तो इसका जब आप करेंगे तो राइट ऑप्शन सी आएगा. 112, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड आयंस आर, ऑप्शन बी. 113, सूटकी डिफेक्ट इज एक्चुअली ए वैकेंसी डिफेक्ट. 114, नंबर ऑफ पासविल आइसोमर्स फॉर दी CO(En2Cl2+) 3. 115, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड इन कॉन्टेक्ट वाटर सिल्ट लाइक सीमेंट 30 मिनट टू हार्ड प्लास्टर, CaSO4 2H2, ऑप्शन डी. 116, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग डाई यूज फॉर स्पॉट टेस्ट रीजन फॉर डिटेक्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड सीरियम एंड ऑल्सो यूज एट एंटीसेप्टिक, मैलाचाइट ग्रीन. 117, ए गैल्वेनिक सेल दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसमें राइट ऑप्शन बी आएगा. 118, मोलर कंडक्टेंस दिया गया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है CH3COH का, तो इसकी वैल्यू आएगी 319.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. 119, इसकी रिएक्शंस दी गई है, जो इसका प्रोडक्ट आएगा क्यूनोलिन आएगा. 120, मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी ऑक्साइड्स की, उसका साइज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. 121, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, विटामिन के. 122, एमॉन्ग दी फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्ट विद CO2 टू प्रोड्यूस O2 इन क्लोज सिस्टम सच एज सबमरीन्स, KO2. 123, यहाँ पे डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी बताना है फ्री रेडिकल्स की, तो बेंजाइल सबसे ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा. 124 है, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग मटेरियल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर. 125, व्हिच अमंग दी फॉलोइंग 3D सीरीज एलिमेंट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. तो जो आपके जिंक सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जनरली जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इस सब के जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3D10 होता है और 4S2 होता है. इसी अकॉर्डिंग कैडमियम का 4D10 होता है, 5S2 होता है. तो इन सब के जो आप डी ऑर्बिटल्स की जब आप डिफिनेशन करते हैं तो कहते हैं पार्सली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन ये सब क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है. इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज में नहीं रखा, ये प्रॉपर्टीज उसकी नहीं शो करते हैं. तो ये थे आपके 125 क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में है और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं पार्ट सेकेंड में. आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें और इनके सोल्यूशंस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं. आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशंस ज़रूर देखें. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट हेल्पफुल है फॉर दी सिलेक्शंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.